टॉपिक है आज अपना भारत के प्रमुख दर्रे, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर चलें कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है, सिंपल सा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऐसे ही और पूछ लिया जाए कि बोमडिला दर्रा किस स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर प्रश्न आ गया कि कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के मंडी को जम्मू कश्मीर के लेह से जोड़ता है, तो सिंपल सा जो आंसर है इसका बड़ा लाचला दर्रा है। बड़ा लाचला दर्रे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, चिनाब होती है। ऐसे बहुत से प्रश्न इन दर्रों से एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। हम इन दर्रों को बिल्कुल इजी तरीके से आराम से हम इनको याद करेंगे और आप मेरे साथ साथ इनको लिख भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और बार बार इनको पढ़ने से हम इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहता है। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला अपना स्टेट है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर राज्य के अगर दर्रे हमें याद करने हैं तो हमें एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है। लाइन है जम्मू की जॉब कबूल है। लाइन क्या है? जम्मू की जॉब कबूल है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास चार वर्ड हैं, जो बै, कै और बू, ठीक है। इन्हीं से हम दर्रों का नाम रखेंगे। जो से दर्रा बन गया जोजिला, बै से दर्रा बना बनिहाल, कै से दर्रा बना काराकोरम और भू से दर्रा बन गया भुरचिल। तो ये चारों दर्रे जो हैं, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम और भुरचिल, कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर। यहीं से सीधा सिंपल प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। एक और हम याद रखते हैं, यहाँ पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में ही होता है। और ऑप्शन अपने पास आ गए कि जोजिला, बनिहाल, काराकोरम, एक बोमडिला ऑप्शन आ गया। तो बोमडिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसा प्रश्न यहाँ से आता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चार दर्रे हैं, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम और भुरचिल। चलो अगली बात करते हैं, ये जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता किसको है? तो ये श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। ये हमें याद रखना है कि कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो जोजिला है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल, बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है शेष भारत से। याद रखें, इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो हम आंसर देंगे क्या भाई? बनिहाल। इस बनिहाल दर्रे से एक सुरंग भी आती है, सुरंग का नाम क्या है? जवाहर, जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे से आती है या किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में है। इसी जवाहर सुरंग में एक हाईवे है, हाईवे का नाम है NH1A। तो अगला आपका प्रश्न है कि NH1A जो है वो किस सुरंग में स्थित है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल। बनिहाल दर्रा किन्हें जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को शेष भारत से। इससे पहले आपने जो जिला पढ़ा था, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। काराकोरम और भुरचिल, ये दोनों जम्मू कश्मीर को जोड़ते हैं तिब्बत के साथ, काराकोरम और भुरचिल, ठीक है। काराकोरम एक पर्वत श्रेणी भी है, काराकोरम एक दर्रा भी है, दोनों आपको याद रखने। और काराकोरम हिमालय की एक पर्वत श्रेणी भी है, जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। जब हम अगला कोई वीडियो लेकर आएंगे तो हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये फिर से आप इनको नोट कर लेना, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम और भुरचिल, चारों की विशेषताएं कि कौन किसे जोड़ता है और कहाँ स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेट लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है अपना, वहाँ पे हमें तीन दर्रे विशेष रूप से याद करने हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं। तीन दर्रे कौन से हैं? कि हिमाचल प्रदेश में सिपा, सिपा का रोब है। हिमाचल प्रदेश में किसका रोब है? सिपा का रोब है। सिंपल सी लाइन है, तीन वर्ड हैं, सिपा, रो और बै, ठीक है।
जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सिपा, सिपा में दर्रा बना सिपकीला, रो, रो से दर्रा बना रोहतांग, और बै से दर्रा बना बड़ा लाचला। ये तीनों दर्रे स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला। ठीक है, अब अगली बात यह है कि ये दर्रे जोड़ते किसको हैं और कौन सी नदियां इनसे आती हैं। नदियां इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, इन तीनों ही दर्रों से तीन नदियां आती हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो आप समझो कि सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा से नदी आती है सतलज। कौन सी नदी आई? सतलज, सिपकीला दर्रा से। ठीक है, रोहतांग से नदी आ गई रावी। कौन सी नदी? रावी। बड़ा लाचला से नदी आई चिनाब। देखो इन नदियों को भी आप ऐसे याद करो, सिपकीला पहला शब्द क्या है? सै। सतलज में पहला शब्द क्या है? सै। दोनों में पहला शब्द सै कॉमन है, सिपकीला सतलज नदी। रो रे, रावी व्रे, दोनों में रे वर्ड कॉमन, तो रोहतांग से नदी आ गई रावी। यहां देखो चिनाब बै, बै, बै से बड़ा लाचला, चिनाब बड़ा लाचला, ऐसे इसको याद करना है। तो इन तीन दर्रों से तीनों नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि चिनाब किस दर्रे से आती है? बड़ा लाचला। रावी किस दर्रे से आती है? रोहतांग। और सतलज किस दर्रे से आती है? सिपकीला। अगली बात है कि सिपकीला और रोहतांग ये दोनों दर्रे किनको जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। सिपकीला और रोहतांग दोनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेंगे? तिब्बत से जोड़ते हैं। बड़ा लाचला दर्रा मंडी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, मंडी हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ता है किसके साथ? लेह, और लेह किस में होता है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये सिंपल सी ट्रिक इसकी है, मंडी हिमाचल प्रदेश को लेह जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से सिपकीला और रोहतांग, बड़ा लाचला से चिनाब बै, चिनाब बै बड़ा लाचला। ठीक है, रोहतांग से रावी रे रे कोमन, सिपकीला से सतलज से और से कोमन। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना। अगला हम स्टेट लेते हैं सिक्किम। अगला जो अपना राज्य है सिक्किम के दर्रे हम पढ़ेंगे। और देखो सिक्किम में एक सिंपल सी लाइन, और लाइन है सिक्किम में नाथूलाल जी रहते हैं। क्या लाइन है? सिक्किम में कौन रहता है? नाथूलाल जी रहते हैं, याद रखना है। ठीक है, नाथूलाल और जी, जी लगाकर बोलते हैं। नाथूलाल से दर्रा बना नाथूला, और जी से दर्रा बन गया जिलेपला। दो सिंपल से दर्रे हैं, एक नाथूला और एक जिलेपला। नाथूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। नाथूला दर्रा क्या करता है कि भारत और चीन दोनों के बीच में स्थलीय व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करता है। याद रखें, स्थलीय व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा भारत और चीन के बीच में कौन सा है? नाथूला। भारत चीन क्या करता है? स्थलीय व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करने वाला ये दर्रा है। ठीक है, अगली बात है कि आपने एक नाम सुना होगा प्राचीन रेशम मार्ग। प्राचीन रेशम मार्ग ये क्या था? तो प्राचीन रेशम मार्ग का मतलब हमें समझना है कि भारत और चीन विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादक देश हैं। चीन को विश्व में रेशम का जनक देश भी मानते हैं। और जो रेशम मार्ग है वो रोम, रोम इटली की राजधानी है, यूरोप महाद्वीप का देश है, और यहाँ रोम से लेकर चीन तक ये जो मार्ग था वो रेशम मार्ग था, जिसकी लंबाई थी 6000 किलोमीटर। मतलब ये था कि भारत और चीन रेशम का उत्पादन करते थे, और उत्पादन होने के बाद जिस मार्ग से वो पश्चिमी यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनको रेशम का निर्यात करते थे, तो उस मार्ग का नाम रखा गया था प्राचीन रेशम मार्ग, जो रोम से चीन तक है, लंबाई थी 6000 किलोमीटर, रोम इटली की राजधानी है। अगली बात है कि भारत में एक राजवंश हुआ था कुषाण, कुषाण राजवंश, जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, तो कुषाण राजवंश ऐसा राजवंश था भारत का जिसका इस मार्ग के ऊपर अधिकार रहा था। जिलेपला, नेक्स्ट अगला दर्रा है अपना जिलेपला, इसके बारे में पढ़ते हैं। जिलेपला दर्रा से एक नदी आती है तिस्ता नदी। ये तिस्ता नदी जो है वो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम की पहाड़ियों से निकलती है तिस्ता नदी, और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी जो है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाने के बाद मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। ऐसी एक नदी और है गंगा, और वो भी बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, इस तिस्ता नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो तिस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण बना रहता है ये विवादित है नदी तिस्ता नदी।
निकलती है सिक्किम की पहाड़ियों से, और दर्रा होता है जिलेबला जहां से ये प्रवाहित होती है। ठीक है, अगली बात है कि ये जो जिलेबला दर्रा है वो कलिम्पोंग स्थान है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इस कसपसी जो कलिम्पोंग है इसे जोड़ता है किसके साथ, ल्हासा। ल्हासा क्या है, तिब्बत की राजधानी। तो तिब्बत की राजधानी होती है ल्हासा, जिसे जिलेबला दर्रा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग नामक स्थान से जोड़ता है। नोट कर लेना सभी को, नाथुला इम्पोर्टेंट है और जो है जिलेबला दोनों सिक्किम में है। नेक्स्ट, अगला हम स्टेट लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हम पढ़ते हैं, चलो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे के पहले आप नाम याद रखो, पहला है आपके पास बोमडिला, दूसरा है यांग्याप और एक होता है दीफू। इसका एक नाम और भी मिलता है, इसे डिफू भी कहते हैं, डिफू भी लिखा हुआ था। तो ये तीन दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्याप और डिफू, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सिंपल सा है, बोमडिला और यांग्याप दोनों किसको जोड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ते हैं तिब्बत के साथ। तो प्रश्न आए कि कौन से दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के कौन से दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो दो दर्रे के नाम हमें बताना है, एक बोमडिला और दूसरा यांग्याप। ठीक है, डिफू या डिफू, ये क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उस अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है म्यांमार के साथ। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, म्यांमार के साथ। ठीक है, कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, यांग्याप, डिफू, तीन दर्रे हैं। बोमडिला, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, डिफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। लास्ट हम एक स्टेट और पढ़ेंगे जो अपना लास्ट है, और उसका नाम है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू। कौन सा दर्रा है, तुजू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अब मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। इम्फाल को जोड़ता है म्यांमार के साथ। ध्यान रखें, इससे पहले भी हमने एक दर्रा पढ़ा था दीफू, वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है, जबकि तुजू दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। यानी आपने दो दर्रे ऐसे पढ़े जो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ते हैं, एक डिफू या डिफू जो अरुणाचल प्रदेश में है, और दूसरा है तुजू जो मणिपुर में है। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख दर्रे हुए जो हमने तैयार किए हैं, याद किए हैं, सभी अच्छी प्रकार से इन्हें पढ़ें। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय वे पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लोगों के लिए।